जबलपुर घूमने के 5 प्रमुख स्थान। नंबर 5, बरगी बांध। जबलपुर के पास नर्मदा नदी पर बना बांध एक विराट बांध है। ये बांध सिंचाई और ऊर्जा उत्पादन के लिहाज से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ पर्यटन के लिए भी खासा जाना जाता है। इसके पास ही बोटिंग और अन्य जल क्रीड़ाओं का मजा लिया जा सकता है। नंबर 4, कचनार सिटी लॉर्ड शिवा टेम्पल। जबलपुर के कचनार इलाके में बना हुआ कचनार शिवा मंदिर, जहां पर आप देख सकते हैं भगवान शिव की 76 फीट ऊंची विशाल काया प्रतिमा, जिसे देखकर आप अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस करोगे। नंबर 3, 64 योगिनी टेम्पल। जबलपुर से कुछ दूरी पर मौजूद एक प्राचीन मंदिर है, जो भेड़ाघाट और धुआंधार वाटरफॉल्स के मध्य स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कलचुरी राजाओं ने करवाया था। इस मंदिर का नाम इसकी दीवारों पर उकेरी गई 64 योगिनियों की मूर्तियों से पड़ा। भक्तों के साथ साथ यहां जबलपुर पर्यटन पर आने वाले पर्यटक भी काफ़ी संख्या में पहुंचते हैं। नंबर 2, भेड़ाघाट। भेड़ाघाट जबलपुर से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अपने अद्भुत सौंदर्य के कारण भेड़ाघाट विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ नीली गुलाबी संगमरमर चट्टानों के मध्य बहने वाली नर्मदा नदी का प्राकृतिक सौंदर्य मन को मोह लेता है। यहाँ सफ़ेद चट्टानों के बीच नर्मदा में नौका विहार का अपना अलग ही आनंद है। नौका विहार के दौरान आप यहाँ भूल भुलैया व बंदर कुंडी जैसे मनमोहक स्थानों का दर्शन कर सकते हैं। नंबर 1, धुआंधार वाटरफॉल्स। धुआंधार वाटरफॉल्स भेड़ाघाट से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसका पानी नीचे गिरकर धुएं को जन्म देता है। शायद इसीलिए इसे धुआंधार कहा जाता है। यह बड़ा ही मनोहारी स्थल है। इस झरने की खूबसूरती से खिंचकर दूर दूर से पर्यटक यहां आते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए।